वेलकम टू ऑनलाइन चाणक्य अकेडमी, स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर नंबर 2, लीनियर कोरिलेशन। नेक्स्ट मेथड स्कैटर्ड डायग्राम मेथड। ये मेथड प्रैक्टिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर थियोरिटिकल पर्पस, जैसे इसमें सम भी आ सकते हैं। जैसे स्कैटर्ड डायग्राम, दिस इज अ सिंपल मेथड ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू रिलेटेड वेरिएबल्स टू फाइंड द नेचर ऑफ कोरिलेशन। दिस इज अ मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ कोरिलेशन। मोरओवर, इट इज ऑल्सो गिव सम आइडिया अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। मीन्स जो दो वेरिएबल एक्स एंड वाई, उसकी स्ट्रेंथ कितनी। स्ट्रेंथ दैट मीन्स परफेक्ट पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, दैट वी कैन नो। सपोज x1 y1, x2 y2, x3 y3, xn yn आर ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ n वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x ऑन x एक्सिस एंड द वैल्यू ऑफ y ऑन y एक्सिस आर प्लॉटेड। यानी जो x के पॉइंट है वो हम x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और y के जो पॉइंट्स हैं दैट y के वेरिएबल हम y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। और ग्राफ बाय टेकिंग प्रॉपर स्केल, द ग्राफ शोइंग द प्लॉटेड पॉइंट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द पेयर x1 y1 x2 y2 x3 y3 इज कॉल्ड स्कैटर डायग्राम। क्लियर। यानी x1 y1 के x2 y2 x3 y3 जितनी भी वेरिएबल्स हैं वो हम x एक्सिस और y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और जो आपको ग्राफ मिलेगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ स्कैटर डायग्राम। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन विद स्कैटर्ड डायग्राम मेथड। अगर ये पॉइंट थियरी में आता है तो ये जो ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है आपके सामने वो और उसकी डेफिनेशन दोनों आपको लिखना। परफेक्ट पॉजिटिव दैट मीन्स x1 y1 x2 y2 सारे पॉइंट्स वेरिएबल्स अगर आप x और y एक्सिस पे प्लॉट करोगे तो ये जितने भी पॉइंट्स है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अपवर्ड डायरेक्शन में एक ही लाइन पे आपको मिलेंगे। मींस इफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ स्कैटर डायग्राम ऑन वन लाइन एंड इफ द लाइन इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन इट शोज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट
फॉर थियोरिटिकल पर्पस। चलो अब एक इलस्ट्रेशन से इसको समझते हैं। उसका जो एग्जाम्पल भी बोर्ड में आ सकता है फॉर 2 or 3 मार्क मैक्सिमम, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है, आना चाहिए लेकिन चांसेस बहुत कम है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल 1, आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्रॉम टोटल इनकम 20% इनकम टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द रिमेनिंग इनकम, यानी जो इनकम है और उसके साथ जो टैक्सेशन की अमाउंट है वो दोनों, यानी अगर इनकम बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा, इनकम कम हुई तो टैक्सेशन भी आपका कम होगा, क्लियर। चलो अब सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे सारे के सारे पॉइंट प्लॉट करेंगे। जैसे एक्स का 50 तो वाई में 10, एक्स में 30 वाई में 6, एक्स 80 वाई 16, एक्स 20 वाई 4, एक्स 100 वाई 20। अब अगर यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप देखोगे तो सारे के सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे आ रहे हैं, क्लियर। वी कैन सी दैट ऑल द पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन इन द स्कैटर डायग्राम। वी कैन ऑल्सो सी दैट एज द वैल्यू ऑफ y वेरिएबल x चेंज द वैल्यू ऑफ y ऑल्सो चेंज इन द सेम डायरेक्शन विद द कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। हेंस वी कैन से दैट देयर इज अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन two variables x and y। नेक्स्ट, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। इफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ स्कैटर डायग्राम लाइक ऑन वन लाइन एंड इफ द लाइन गोज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट देन इट शोस परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। मीन्स यहाँ पर एक्स और वाई में ओपोजिट रिलेशन है, क्लियर। जैसे एग्जाम्पल 2, चलो सबसे पहले तो हम सारे के सारे पॉइंट्स x और y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। जैसे x 15 y 5, x 18 y 2, x 8 y 12, x 10 y 10, x 12 y 8, क्लियर। अब यहां से एक लाइन ड्रॉ करें। Now here we can see that all the points on the scatter diagram lie on the same line. We can also see that as the value of variable x change, the value of y also change in opposite direction in constant proportion. So we can say that there is a perfect negative correlation between x and y.
partial positive correlation. If all the points of scattered diagram are not on one line but around the line which is going in upward direction from left to right, then it indicates that there is a partial positive correlation between two variables x and y. Chalo, clear? For theoretical purpose important है definition में, बहुत बार board exam में आता है, वहाँ पर ये जो diagram draw किया है और definition जो लिखे दोनों आपको लिखने हैं, ठीक है? Now example 3. चलो सबसे पहले क्या करेंगे, graph paper पे x और y के point plot करेंगे, ठीक है? चलो, जैसे x 5, y 20, x 8, y 30, x 10, y 50, x 15, y 70, x 12, y 60, x 9, y 35. We can see that all points on the scatter diagram do not on the same line, but change in the advertisement cost and the sale are in the same direction but not in the same proportion, hence all the points are not on the same line. So we can see that there is a partial positive correlation between x and y. Next, partial negative correlation. If all the points of scattered diagram are not on one line but around the same line which is going in downward direction from left to right, then it indicates that there is a partial negative correlation between two variables x and y. चलो example 4. यहाँ पर सबसे पहले तो ग्राफ पे x और y के पॉइंट्स हम प्लॉट करेंगे, ठीक है? चलो x 12 y 45, x 13 y 35, x 14 y 30, x 15 y 15, x 16 y 10. Here we can see that all the points do not on the same line
In the scatter diagram, the change in the price and demand are in opposite direction, but they do not change in the same proportion. Hence, all the points are not on the same line. So we can say that there is a partial negative correlation between X and Y.